बच गया भाई, बच गया, आरसीबी का रिकॉर्ड बच गया भाई। लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने कल जो बैटिंग की है ना, 257 रन ठोक दिए यार। आई मीन इट्स रिडिकुलस भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे इस टाइप के जो मैचेस होते हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब यार 200 रन भी अगर होते ना तो वो मैच देखने में भी मजा आता है, वहां पर को लगता है कि यार दूसरी टीम चेस कर सकती है। इन 257 रन देख के तो हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि ये जो मैच है वो एक तरफा होने वाला था, हुआ भी हुई, जहां पर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया है। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं, लेकिन रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं राजस्थान और सीएसके के बीच का मतलब यार रिव्यू वीडियो इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि मेरे यहाँ मतलब एक पूरे दिन लाइट नहीं थी, शाम को लाइट आई तो मैं बना नहीं पाया, तो यार मुझे माफ कर देना, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं, जहां पर को मैं इस मैच में हुए बेस्ट और वर्स्ट के बारे में बात करूंगा। आज मैंने बेस्ट नंबर वन में रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग को। देखो आईपीएल स्टार्ट होने से पहले मैंने इनके बारे में एक रिव्यू वीडियो बनाई थी, वहां पर को मैंने कहा था इनकी जो बैटिंग है उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ भी है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर चल गए तो बहुत ही कमाल की बैटिंग कर सकते हैं। कल वो दिन था जहां पर इनके सारे के सारे बैट्समैन क्लिक कर गए और भाई इन लोगों ने क्या स्कोर बनाया, 257 रन ठोक दिया यार, तो बहुत ही कमाल की बैटिंग। सबसे पहले मैं बात करूंगा काइल मेयर्स के बारे में। देखो ये जो बंदा है ना मुझे गेल की याद दिलाता है, सही बता रहा हूँ, देखने में भी ये बंदा सेम है, मतलब यार इसकी जो बिल्ट है वो मतलब यार गेल टाइप की है, और जिस तरह का ये मतलब स्टार देता है ना बहुत ही ज्यादा कमाल का। इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं ना वो आपकी टीम को फुल पावर प्ले का यूज करके दे सकते हैं, तभी मतलब यार क्विंटन डिकॉक बेचारा बाहर बैठा हुआ है। मतलब यार सोचो ये बंदा लगातार परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसी मैच में बनाता है किसी में नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने इसके ऊपर जो फेथ दिखाया ना उसके लिए डेफिनेटली यार इसको थैंकफुल होना चाहिए। और कल जो इसने स्टार दिया है 20 बॉलों में 50 बना दी, इसी ने मतलब यार पूरी अच्छी नींव रख दी थी। उसके बाद जो बैटर्स आए जैसे स्टोइनिस हो गया या फिर आयुष बड़ोनी हो गया, उन लोगों ने बहुत ही कमाल की बैटिंग की। मतलब यार इसने जो स्टार दी ना उसको उन दोनों ने कैरी ऑन किया, और लास्ट में जो फिनिशिंग टच था वो दिया निकोलस पूरन ने, जो ऑब्वियसली यार लंबे लंबे हिट्स के लिए जाना जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी जो कल बैटिंग थी ना बहुत ही ज्यादा कमाल की रही है। केएल राहुल काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट थे कि इस रन फीस्ट में वो मतलब यार अपना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, एक उनका कैच भी छोड़ा था, तो यार उन्हें मतलब यार लंबा स्कोर बनाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी टीम ने तो रन बनाए दिए थे। तो यार लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग कल बहुत ही कमाल की हुई है। आज मैंने वर्स्ट नंबर वन में रखा है पंजाब किंग्स की बोलिंग को। देखो पिच बेल्टर है इसका बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा बेकार बोलिंग कराई है, 257 रन किसी भी पिच में T20 क्रिकेट में बहुत ही गंदी बोलिंग होती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हरदीप सिंह के बारे में, जिसने पिछले मैच में बहुत ही कमाल की बोलिंग कराई थी। कल ये बंदा 4 ओवर में 52 रन पिटा गया, रबाडा ने भी 4 ओवर में 52 रन दिए। एक ही बॉलर था जिसने ढंग की बोलिंग कराई, उसका नाम था राहुल चहर। वहां पर को लखनऊ सुपर जायंट्स वाले पंजाब के बोलर्स को इतना ज्यादा पीट रहे हैं, वहां पर को राहुल चहर आती इतनी कमाल की बोलिंग करा के जाता है, इतना इकोनॉमिकल स्पेल डाल के जाता है, तो इस बंदे की तारीफ करनी तो बनती है। लेकिन इस बंदे को छोड़ के सारे बॉलर्स पिटे हैं। जो वो नया डेब्यूटेंट आया था वो बंदा तो सोच रहा होगा कल ही क्यों किया करके मैंने डेब्यू, यार 3 ओवर में उस बंदे ने 42 रन दे दिए। भले ही उस बंदे को एक विकेट मिल जाना चाहिए था केएल राहुल का, लेकिन इनकी फील्डिंग भी बहुत ज्यादा खराब रही, इनकी बोलिंग मतलब यार इतनी ज्यादा शॉर्ट बॉल करा रहे हैं, 4 तो इन लोगों ने नो बॉल डाल लिए हैं, इतने ज्यादा एक्स्ट्रास दे रहे हैं, तो इनकी जो बोलिंग रही है बहुत ही ज्यादा बेकार रही है। डेफिनेटली ये लोग पिटना डिजर्व करते थे, लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने इन्हें बख्शा भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा पंजाब की बोलिंग अब बिग लेट डाउन भाई। आज मैंने बेस्ट नंबर 2 में रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स की बोलिंग को। देखो मतलब यार ठीक है इन लोगों ने बहुत ज्यादा रन बना दिए थे तो ये लोग डेफिनेटली जीतने वाले थे, लेकिन उसके ऊपर से आपके बॉलर अगर आपको 10 विकेट लेके दे रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है इनके लिए। मतलब यार इनका जो नया स्टार है वो है नवीन उल हक भाई, मतलब जो बोलिंग करा रहा है ना, जब ये बोलिंग कराने आया मुझे मतलब यार लग ही रहा था ये बंदा विकेट लेगा, बहुत ही अच्छी बोलिंग कराएगा, इसने मुझे डिसअपॉइंट भी नहीं किया, ये बंदा मतलब यार 3 विकेट लेके गया। दूसरा बॉलर यश ठाकुर जो कि एक और मतलब यार इनका फाइन टाइप का रहा है, उस बंदे ने भी 4 विकेट लिए। तो मैं कहना चाहूंगा मतलब यार इनकी जो पेस डिपार्टमेंट है ना उन्होंने बहुत ही ज्यादा कमाल की बोलिंग कराई। मिडिल ओवर्स में भी मतलब यार जो इनके स्पिनर्स थे फिर चाहे वो रवि बिश्नोई हो चाहे वो अमित मिश्रा हो, उन्होंने मतलब यार काइंड ऑफ अच्छी खासी बोलिंग कराई। मतलब कंसिडरिंग की मतलब यार पिच इतनी ज्यादा बेल्टर है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा कमाल का काम किया है। बस आप लोगों ने इनकी बोलिंग के बारे में एक चीज नोटिस की, इनके पास इतने ज्यादा बॉलर्स है ना, कल भाई इन लोगों के 9 बॉलर्स ने बोलिंग करा रही है। बैटिंग में तो डेप्थ है ही, बोलिंग में भी बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो अगर लखनऊ सुपर जायंट्स वालों के प्लेयर्स अपना बेस्ट देने में आ गए ना तो भाई बता रहा हूँ ये जो टीम है ना अनस्टॉपेबल टाइप की दिख रही है। अब आज मैंने फर्स्ट नंबर 2 में रखा है पंजाब किंग्स की स्टार्ट को। मतलब यार तुम लोग 257 चेज कर रहे हो तो तुम्हारा पावर प्ले बहुत ही कमाल का होना चाहिए था। इन लोगों ने पहले ओवर में बनाए 3 रन, दूसरे ओवर में बनाए 7 रन, विकेट खोया वो अलग। तो यार इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना वो बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही है। शिखर धवन मतलब यार बहुत टाइम बाद आज वापसी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वापसी वाला दिन था ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। रन इतने ज्यादा स्कोर पे थे, और मतलब यार जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं ये मतलब यार शुरू में थोड़ा टाइम लेते हैं उसके बाद मारना प्रेफर करते हैं, तो मुझे मतलब यार लग ही रहा था ये मतलब यार आउट हो जाएंगे और वो जल्दी आउट भी हो गए।
अथर्व टाइडे ने भले ही बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली हो, लेकिन सही बता रहा हूँ, मेरी नजरों में ये जो इनिंग्स है ना, वो मतलब यार काइंड ऑफ थोड़ी गंदी टाइप की थी। क्यों बताता हूँ, देखो इस बंदे ने मतलब यार पावर प्ले का यूज नहीं किया, तो इस बंदे को पावर प्ले का यूज करना चाहिए था। बाद में तुम लोग भले ही अपने स्टैट्स सुधार लो, लेकिन यार जो तुमने डॉट बॉल्स खाई है ना, वो भी पावर प्ले में, वो यार बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। मुझे तो मतलब यार ऐसे प्लेयर पसंद है जो पावर प्ले का यूज करते हैं, और कल तो नीड भी थी, तो मेरे हिसाब से मतलब यार अथर्व टाइडे हो गया या फिर सिकंदर रजा हो गया, इन लोगों की जो इनिंग्स थी वो काइंड ऑफ यार थोड़ी स्क्रैची थी। ठीक है रन बना दिए, लेकिन मुझे मतलब यार पर्सनली पसंद नहीं आया। अब आज मैंने फर्स्ट नंबर 3 में रखा है शिखर धवन की कैप्टेंसी को, प्लस यार पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट को भी। सबसे पहले मैं शिखर धवन की कैप्टेंसी की बात करता हूँ। देखो जब पंजाब किंग्स के बॉलर बहुत ज्यादा पिट रहे थे, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि सैम करन को जल्दी बॉलिंग में लाना चाहिए था, लेकिन शिखर धवन ने उसे 10वें या 11वें ओवर में उतारा शायद। मतलब क्या पता उनकी थिंकिंग ऐसी रही होगी कि इस बंदे से मतलब यार डेथ के ओवर्स कराने, लेकिन यार जब तुम्हारे सारे प्लेयर्स 10-15 रन हर ओवर में दे रहे हैं, मैं अपने बेस्ट बॉलर्स को वहां पर को लगाना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था। मतलब आई मीन यार तुम लोगों ने गेम को ड्रिफ्ट होने दे दिया, ऐसा ही मैं कहूंगा। तो मुझे मतलब यार शिखर धवन का कल ये मूव पसंद नहीं आया। बस जिस तरह की इन्होंने फील्ड प्लेसमेंट लगाई थी वो भी काइंड ऑफ यार बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। दूसरा यार मैं इनके मैनेजमेंट की बात करना चाहूंगा। मतलब इन लोगों ने कल कैसा बैटिंग ऑर्डर उतारा, तुम लोग 257 चेस कर रहे हो, तुम्हारे 2 विकेट पावर प्ले में ही गिर गए, उसके बाद तुम सिकंदर रजा को भेज दे रहे हो। मतलब यार तुम्हारे पास लिविंगस्टोन था, तुम्हारे पास जितेश शर्मा था, तुम्हारे पास शाहरुख खान जैसे प्लेयर्स मतलब यार आने बाकी थे, तो तुम यार अपने बेस्ट बैटर्स को वहां पे को नहीं भेजोगे ज्यादा बॉल्स खेलने के लिए। इन लोगों ने क्या किया, रजा को भेज दिया जिसने ना पावर प्ले का यूज किया, भले ही बाद में उसने थोड़ा मतलब यार तेज खेल लिया हो, लेकिन जो उसने डॉट बॉल्स खेली उसका क्या एक्सक्यूज है। तो यार ये भी मुझे पसंद नहीं आया। प्लस मुझे इनके मैनेजमेंट के बारे में एक चीज और पसंद नहीं आई। मतलब यार पिछले ही मैच ये लोग जीते थे, कितना अच्छा मतलब यार ये लोग जीते थे, इन लोगों ने अगले मैच में क्या किया, अपना पूरा टीम कॉम्बिनेशन ही बदल दिया। देखो शिखर धवन तो आना ही था, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन नेथन एलिस को जो इन लोगों ने बाहर किया ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा लगा। मुझे ऐसा लगता है ये लोग ना नेथन एलिस को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है रबाडा बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाइड बॉलर होता होगा, लेकिन यार वो सिर्फ पावर प्ले टाइप का बॉलर है, पावर प्ले में वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराता है, लेकिन बाकी के जो 2 फेजेस होते हैं ना वहां पर वो काइंड ऑफ थोड़ा एक्सपेंसिव साबित होते हैं। यहाँ पर को मतलब यार नेथन एलिस बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकता था, डेथ में वो अच्छी बॉलिंग कराता है, मिडिल ओवर्स में वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराता है। ये जो रबाडा को खिलाने का मूव था ये भी मतलब यार कल मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं पंजाब वालों से बस एक ही चीज कहूंगा, भैया एक ही टीम के साथ स्टिक करो यार, तुम्हारे पास बहुत ही कमाल के प्लेयर्स हैं, ये हर बार जो तुम मतलब यार चेंजेस कर रहे हो ना, ये डेफिनेटली तुम लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो आज का रिव्यू बस इतना ही है, होप आपको पसंद आया होगा।